नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरे देश में अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। शब्दों पर एक बार फिर गौर कीजिएगा, जाने जाते थे। ये शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल विधानसभा के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया वह शब्द ना केवल असंसदीय थे बल्कि एक टपोरी की भाषा का इस्तेमाल था। आप भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इन शब्दों को सुनिए, बार बार सुनिए और फिर कहिएगा कि क्या वाकई में अपने शांत स्वभाव के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जाने जाते होंगे। दुनिया का सबसे बदतमीज आदमी है ये, आयात आदमी है, शर्म आदमी है, शर्म और शर्म नाम की चीज नहीं तेरे में, बेशर्म कहीं का क्या बात कर, शर्म और शर्म नाम की चीज नहीं तेरे में, बेशर्म कहीं का क्या बात कर, शर्म और शर्म नाम की चीज नहीं तेरे में। इस वीडियो को देखकर आपको लग रहा होगा काश जयराम ठाकुर 4 साल पूरे होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के साथ वार्तालाप करते और उनसे राय मशवरा ले लेते कि चुनावी वर्ष में एक मुख्यमंत्री को किस तरह की शालीनता के साथ पेश आना होता है ताकि वह उन्हें बता पाते कि चुनावी साल में किस तरीके से संयम बरतना चाहिए। 2022 जब शुरू हुआ तो उसके बाद से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई बार गुस्से में नजर आए। बीते दिनों वह NHM कर्मियों की हड़ताल के दौरान आपा खोते नजर आए जब एक बैनर पर लिखा था कि अब तो आंखें खोलो सरकार। सवाल यह नहीं है कि विपक्ष के विधायक ने क्या कहा, सवाल यह है कि अगर विपक्ष की तरफ से गालियां भी दी जाती तो क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पलट कर उन्हें वापस गाली देनी चाहिए। सवाल कई है लेकिन यह बात पक्की है कि पहली बार मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर चुनावी साल में समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे संयम बरता जाए। एक विधायक के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वह आप बार बार सुने और खुद ही निर्णय लें कि क्या प्रदेश के मुखिया को इस तरह से अपना आपा खोना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिरमौर न्यूज। दुनिया का सबसे बदतमीज आदमी है ये, आयात आदमी है, शर्म आदमी है, शर्म और शर्म नाम की चीज नहीं तेरे में, बेशर्म कहीं का क्या बात कर, शर्म और शर्म नाम की चीज नहीं तेरे में, बेशर्म कहीं का क्या बात कर, शर्म और शर्म नाम की चीज नहीं तेरे में, बेशर्म कहीं का क्या बात कर। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।